अच्छा योगदान रहा है। जीत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमारे शहर का एक नामचीन हॉस्पिटल। सर वेलकम सर। और सभी स्पॉन्सर्स की बदौलत इस बीएमपी ट्रॉफी 2024 में एक अच्छी खेल भावना के साथ खेल का मुजाहरा सभी बीएमपी ट्रॉफी 2024 में सभी खिलाड़ी करते हुए दोनों भी टीम के ट्वेल्थ मैन यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में भेज दें। दोस्तों कुछ ही समय में हमारे प्राइम स्पॉन्सर डॉक्टर मयूर जैन सर उनका दोपहर में इस बीएमपी ट्रॉफी 2024 में आगमन होने वाला है। काफी अच्छी कार्डियक केयर सर्विसेज उनके द्वारा हमें प्रदान की जाती है और यहाँ पर हाइड्रेशन के लिए ORSL का डिस्ट्रीब्यूशन होता हुआ। थैंक यू बीएमपी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। डहानू और वागले स्टेट डॉक्टर एसोसिएशन इन दोनों भी क्रिकेट टीम का यहाँ पर आगमन होता हुआ बीएमपी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से मैं आप सभी का सर स्वागत करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ब्रेकफास्ट करके ले और अगली मैच के लिए तैयार रहे। सभी टीम के कैप्टन से निवेदन है कि आप यहाँ पर जिन कुशल कार्डियक केयर की तरफ स्टॉल में आकर अपने गिफ्ट हैम्पर्स और कूपन्स लेकर जाए। आता होणारी कोण कोण हे ऋषिकेश आहे, ऋषिकेश आणि अक्षय स्ट्रायकरला आठ चालले ते अजून बारावा कुठे बोलवतात। अरे बाबा जाऊ का मग तिकडे फिल्डिंगला। अक्षय ट्राय स्ट्राइकला बघायला बोलतील। आता नॉन स्ट्राइकला कोण आहे? अरे ये तो आपले टीम अक्षय स्ट्रायकर नॉन स्ट्राइकर ऋषी डॉक्टर अक्षय स्ट्राइकर इन पर जबकि ऋषि नॉन स्ट्राइकर इन पर मौजूद। दोस्तों मौजूदा मुकाबला होने जा रहा है वाडा डॉक्टर्स एसोसिएशन और नवी मुंबई वॉरियर्स नवी मुंबई इंडियंस के बीच में। प्रशांत आहेर पहले गेंदबाजी करेंगे नवी मुंबई इंडियंस की तरफ से जबकि वाडा की तरफ से डॉक्टर अक्षय स्ट्राइकर इन पर मौजूद जबकि नॉन स्ट्राइकर इन पर डॉक्टर ऋषि। इस मैच की पहली गेंद डॉक्टर आहेर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद बल्लेबाज को बीट करती हुई डॉक्टर अक्षय बुरी तरह से बीट हुए। हालांकि मनीष तिवारी स्टैंड की तरफ दिशा देना चाहते थे लेकिन नाकामयाब रहे। अच्छी गेंद पहली में कहूंगा डॉक्टर प्रशांत आहेर की डॉट गेंद संतुलित तरीके से गेंदबाज करते हुए आउट होने का खतरा फील्डर नीचे और आउट। एक आसान सा कैच देकर पवेलियन की तरफ मुंह नीचे करते हुए लौटते हुए डॉक्टर अक्षय डॉक्टर ऋषि सॉरी अक्षय का डॉक्टर अक्षय बिना खाता खोले हुए पवेलियन की तरफ लौटते हुए और एक पहला बड़ा झटका लगता हुआ वाडा की टीम को। अच्छी और संतुलित गेंदबाजी कर रहे हैं डॉक्टर प्रशांत आहेर राजन कैच जबकि डॉक्टर राजन ने बहुत अच्छे कैच को अंजाम दिया और पहले विकेट का पतन हुआ होता हुआ वाडा टीम के लिए पहला झटका। डॉक्टर दत्ता आए हैं बल्लेबाजी के लिए। एक अच्छे हरफन वाला खिलाड़ी ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा है उनका पिछले कुछ सालों में अपनी टीम के लिए। अच्छी गेंद यहाँ पर डॉक्टर आहेर की और डॉक्टर दत्ता के लिए यहाँ पर एक ऑफर रखा गया है डॉक्टर मुसेफ खान की तरफ से कि डॉक्टर दत्ता अगर
पूरे मैच में किसी भी गेंद पर छक्का मारते हैं तो उनको डॉक्टर मुसेफ खान की तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सॉरी 5000 बोला है। डानू और वाग्रे स्टेट डॉक्टर एसोसिएशन के दोनों भी कप्तान से रिक्वेस्ट है कि वे यहाँ पर टॉस के लिए आ जाएं। दोनों भी टीम के प्लेयर से निवेदन है कि अंपायर से किसी भी तरह की आर्गुमेंट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आर्गुमेंट से थर्ड अंपायर का रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, क्योंकि बेल्स जो गिरी है स्टंप से उसके लिए निरीक्षण करना चाहते हैं हमारे दोनों भी अंपायर्स। डॉक्टर दत्ता ने रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। दोस्तों मौजूदा मुकाबला वाडा और नवी मुंबई के बीच में होता हुआ पहले ओवर का खेल जारी। डॉक्टर प्रशांत ने सदी हुई और संतुलित गेंदबाजी की है अभी तक। पहले ओवर में उन्हें सफलता भी हासिल हुई है। हमारे थर्ड अंपायर बेल्स क्यों गिरी है इसका निरीक्षण करते हुए उनके फैसले का इंतजार। और बैट्समैन आउट, खुद खुशी कर ली है शायद बैट्समैन ने। बैट नहीं पर लेना सर। बहुत ही अच्छा निर्णय यहाँ पर थर्ड अंपायर द्वारा पूरी तरीके से सुनिश्चित होता हुआ यहाँ पर विकेट का पतन। और डॉक्टर दत्ता खेल भावना दिखाते हुए अंपायर के फैसले का सम्मान करते हुए अच्छा निर्णय यहाँ पर थर्ड अंपायर द्वारा। और सभी खिलाड़ी इस निर्णय का स्वागत और सम्मान करते हुए नए बैट्समैन क्रीज पर जा चुके हैं डॉक्टर। कृपया मैच की तरफ सभी लोग ध्यान दें। डानू टॉस के लिए आ जाए। डानू के कप्तान और वागले स्टेट डॉक्टर प्रशांत आहिर की अगली गेंद दो सफलताओं के बाद काफी जोश। फिर एक बार संतुलित गेंदबाजी और संभल कर खेलते हुए इस बार आउट होने का खतरा हो सकता था। हल्के से बीट हुए और उत्साह आता हुआ यहाँ पर। डॉक्टर नवनाथ डानू आप कृपया टॉस के लिए आ जाए। डॉक्टर प्रशांत आहे द्वारा अच्छी और संतुलित गेंदबाजी। पहले ओवर में दो बड़े झटके देते हुए फिर एक बार आउट होने का खतरा था लेकिन बालम बाल बच गया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट में कहूंगा यहाँ पर। ऋषिकेश और हितेश के बीच में अच्छा तालमेल। हितेश अब सामना करेंगे डॉक्टर प्रशांत आहिर का। वाड़ा टीम कठिनाइयों से जूझती हुई पहले ओवर में इस बार हल्के हाथों से खेल दिया। थर्ड मैन की तरफ अच्छी फील्डिंग, एक रन से ज्यादा कुछ भी नहीं और इस एक रन के साथ स्कोर सरकता हुआ तीन रनों पर जबकि दो विकेट का नुकसान हुआ है। डॉक्टर नवनाथ आप जहां कहीं पर भी हो कृपया टॉस के लिए आ जाएं। डॉक्टर नवनाथ वाग्रे स्टेट और डानू दोनों भी टीम के कप्तान यहां पर आ जाए। माजी माजी दोस्तों मौजूदा मुकाबला वाडा डॉक्टर्स एसोसिएशन और नवी मुंबई इंडियंस के बीच में पहले ओवर की समाप्ति के बाद दो विकेट के नुकसान पर तीन का स्कोर खड़ा करने में कामयाब हो चुकी है वाडा की टीम। दो बड़े झटके दिए डॉक्टर प्रशांत आहिर ने पहले ओवर में वाडा को। अब देखना है कि इस धक्के से किस तरह से संभल पाते हैं वाडा के बल्लेबाज। दूसरा ओवर लेकर आए नवी मुंबई इंडियंस के लिए डॉक्टर
डॉक्टर कानिपनाथ सारूफ, डॉक्टर कानिपनाथ ऊंची कदकाठी के खिलाड़ी, देखते किस तरह से गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हैं। सामना करेंगे ऋषिकेश, इस बार बहुत बाहर की गेंद, हालांकि प्रयास कर रहे तो आउट हो सकता था, चुरा कर एक रन ले लिया, आगे की तरफ गेंद गिरी। अगर रनअप लेते शुरू में तो बिल्कुल भी मुमकिन हो पाता ये कैच। दूसरा, दूसरे ओवर की दूसरी गेंद, डॉक्टर कानिफनाथ, ऋषिकेश ने मारने का प्रयास तो किया लेकिन असफल रहे। डॉट गेंद, इस डॉट गेंद के साथ स्कोर रुका हुआ चार रन पर। बड़े शॉट खेलने होंगे अगर वाड़ा को स्कोर आगे लेके जाना है। फिर एक बार मारने का प्रयास, असफल रहे। गेंद जाती हुई लक्ष्मण पेंडू स्टैंड की तरफ, जबकि बीच में रोक लिया फील्डर ने। एक रन से ज्यादा कुछ भी नहीं, एक रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ पांच रन पर। दूसरे ओवर का खेल जारी। जिन खिलाड़ियों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, जिन कुशल कार्डियक केयर के स्टॉल पर, कृपया करा दे। इस बार फुल टॉस गेंद, लेकिन फायदा उठाने में नाकामयाब रहे डॉक्टर हितेश। एक रन से ज्यादा कुछ भी नहीं, एक रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ छह रन पर। दूसरे ओवर का खेल जारी। नवी मुंबई इसके सजी हुई गेंदबाजी, फिर एक बार घुमाकर मारने का प्रयास, टाइमिंग नहीं कर पाए। लक्ष्मण पेंडो स्टैंड की तरफ जाती हुई गेंद, बीच में रोक लिया थर्ड मैन की तरफ। खिसक खिसक कर स्कोर पहुंचता हुआ सात रन पर। कानिफनाथ की अच्छी गेंदबाजी, उतनी ही साथ उनको फील्डिंग साइड से मिलती हुई। ऋषिकेश और हितेश देखते हैं किस तरह लेके जाते हैं स्कोर को। जोर से प्रहार करने का प्रयास, अशोक सिंह स्टैंड की तरफ। एक रन पूरा कर लिया, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन नहीं पूरा कर पाए। थोड़ी सी सुस्ती आती हुई इस मैच में, क्योंकि सदी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं नवी मुंबई इंडियंस के गेंदबाज। कसकर रखा है अभी तक वाडा डॉक्टर्स एसोसिएशन के बल्लेबाजों को। दो ओवर में सिर्फ आठ रन जोड़ पाई है, जबकि दो विकेट का नुकसान हो गया है। तीसरा ओवर लेकर आए हैं एक अनुभवी गेंदबाज डॉक्टर देवेंद्र पाटिल। इस साल काफी फॉर्म में है डॉक्टर देवेंद्र पाटिल, कई टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस कर चुके हैं। देखना है कि इस बीएमपे ट्रॉफी 2024 में उनका क्या योगदान रहता है अपनी टीम के लिए। डानू और वेड़ा टॉस के लिए आ जाए। देवेंद्र की धीमी गेंद, लेकिन दिशा से भटके अंपायर का फैसला वाइड। लेग स्टंप को काफी बाहर छोड़ती हुई है गेंद। देवेंद्र अपनी लाइन और लेन को तराशते हुए। हितेश सामना करेंगे। फुल टॉस गेंद फिर एक बार, लेकिन स्टंप के काफी बाहर। अंपायर का फैसला वाइड। दिशा से भटके हुए हैं देवेंद्र, हालांकि काफी अनुभवी खिलाड़ी, संतुलित वेग के साथ गेंदबाजी करना चाहते हैं, लेकिन हवाएं भी तेजी से चल रही है, हो सकता है वो भी एक प्रभाव हो गेंदबाजी के ऊपर। देवेंद्र की अगली गेंद, हितेश ने इस बार कार्पेट के सारे मारने का प्रयास किया। अशोक पाटिल स्टैंड, अशोक सिंह स्टैंड की तरफ गेंद जाती हुई एक रन के लिए। डॉक्टर नवनाथ, डानू और वागले स्टेट डॉक्टर्स एसोसिएशन, प्लीज कम फॉर टॉस। इस बार फुल टॉस, उछाल कर मारने का प्रयास, आउट होने का खतरा, लेकिन चार रन, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर आता हुआ बल्लेबाज की तरफ से। बॉल बॉल बॉल, इस इनिंग का पहला चौका आते हुए और आक्रामक तेवर धारण करते हुए। उन्हें पता है कि अब करो या मरो की स्थिति आ गई है।
और आप अगर बड़े स्ट्रोक नहीं खेलेंगे तो फिर कब खेलेंगे? ऋषिकेश आक्रामक तेवर दिखाते हुए फिर एक बार मारने का प्रयास, गेंद आती हुई प्रदीप जाधव स्टैंड की तरफ, एक रन पूरा कर लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते थे लेकिन फील्डर वहां पर मुस्तैद, एक रन से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस ओवर में हाथ खोलना चाहते हैं ऋषिकेश और हितेश, लेकिन क्या देवेंद्र उन्हें कामयाब होने देंगे? अगली गेंद देवेंद्र की, इंप्रोवाइज स्टेप खोलने की कोशिश और आउट होने का खतरा, स्टंपिंग और आउट। अंपायर के मन में कोई संदेह नहीं, वाइड गेम का इशारा किया अंपायर ने, बाहर निकलकर इंप्रोवाइज स्ट्रोक खेलना चाहते थे हितेश, रन गति को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन चतुराई भरी वहां पर गेंदबाजी देवेंद्र की और स्टंप आउट। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ यहां पर वाडा टीम का। डॉक्टर नवनाथ वाडा और वागले स्टेट डॉक्टर, आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है, वाडा नहीं सॉरी वेड़ा 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 और डानू दोनों भी टीमें टॉस के लिए आ जाए। वेड़ा टीम के कैप्टन और डानू टीम के कैप्टन से निवेदन है कि जल्द से जल्द टॉस बॉक्स में आ जाए वरना आपको दोनों को पेनल्टी लग जाएगी। डॉक्टर नितेश आए बल्लेबाजी के लिए, देखना है कि क्या वो अपने हाथ खोल पाते हैं इस ओवर में। तीसरे ओवर का खेल जारी और अभी तक वाड़ा का स्कोर रुका हुआ 17 रनों पर। अगर 30 के पार अगर स्कोर पहुंचाना है तो कुछ बड़े शॉट्स खेलने होंगे डॉक्टर नितेश और ऋषिकेश को। देवेंद्र अगली गेंद का गेंद लेकर आ रहे हैं, सामना करेंगे नितेश। नितेश जोश तो खूब था, आक्रामक तेवर भी थे लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाए गेम को, पुश का शॉट हम जिसे कहते हैं ऐसा खेल गए हैं डॉक्टर नितेश। पुश का शॉट एक अच्छी कद काठी के खिलाड़ी डॉक्टर नितेश, उनसे बढ़िया बल्लेबाजी की उम्मीद। डॉक्टर प्रदीप जाधव काफी गर्म जोशी से स्वागत करते हुए सभी आमंत्रित खिलाड़ियों का। इस बार फुल टॉस गेंद, डॉक्टर प्रदीप यादव स्टैंड की तरफ जाती हुई गेंद, एक रन पूरा कर लिया, दो रन के लिए दौड़ना चाहते और ओ हो मिस कर दिया, हाथों से विकेट नहीं, हाथों से बॉल भी छोड़ा और विकेट भी। जरूर पछताएंगे अगर कुछ बड़े शॉट खेलते हैं ऋषिकेश और नितेश इस ओवर में। काफी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है नवी मुंबई इंडियंस को क्योंकि ये दोनों भी खिलाड़ी बड़े स्ट्रोक्स खेलने का मादा रखते हैं। देखना कि इस जीवन दान का किस तरह फायदा उठाते हैं ऋषिकेश और नितेश। देवेंद्र की अगली गेंद, यॉर्कर लाइन की गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। देवेंद्र की सदी हुई गेंदबाजी, डॉट बॉल और तीन ओवर का खेल समाप्त। और इस तीन ओवर के साथ वाड़ा स्कोर का, वाड़ा टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 20 रन पर, 3 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों अभी टॉस होने जा रहा है डानू और वागले स्टेट डॉक्टर एसोसिएशन के बीच में। डानू टीम के कैप्टन और वागले स्टेट टीम के कैप्टन, इनसे निवेदन है कि टॉस बॉक्स में आए। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जीत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सर्वे सर्वा डॉक्टर जयवंत घोड़के सर, इनके हाथों से टॉस होने जा रहा है। सभी टीम के प्लेयर से निवेदन है कि आपको अगर किसी भी तरह की हेल्थ की कुछ समस्या आती है तो तुरंत यहाँ पर इन्फॉर्म कर दें, किसी भी तरह का जोखिम ना उठाएं। आखिरी और चौथा ओवर लेकर आए हैं नई मुंबई इंडियंस की तरफ से गेंदबाज, लेफ्ट आर्म लेग स्पिन, बहुत ही बढ़िया गेंद, क्या बढ़िया गेंदबाजी, ओ हो हो हो, आंखों का नूर, पीएमपी
बहुत ही बढ़िया लाइन और लेग पर सभी गेंदबाजी। वेड़ा टीम ने टॉस जीता है और अपना निर्णय उन्होंने सुरक्षित रखा है, टॉस अपन गया। क्या बात है, एक मन मुहावनी गेंदबाजी किसे कहते हैं, बहुत ही आकर्षक बॉलिंग रनअप। कृष्णा अपनी उंगलियों का जादू बिखेरते हुए इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद गिरी, दिशा से हल्की सी भटकी हुई, अंपायर का फैसला वाइड। जीत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से सबको जो है, सब प्लेयर्स प्लेइंग इलेवन को जो है जा रही है। कार्पेट के सहारे अशोक सिंह स्टैंड की तरफ आती हुई, एक रन से ज्यादा कुछ भी नहीं, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग रनअप में कहूंगा कृष्णा का, एक मन लुभावना अच्छा बॉलिंग एक्शन। थैंक यू टीम डानो, टीम इस बार तेजी से गेंद फुल टॉस देते हुए लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाए बल्लेबाज ऋषिकेश। कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पर टॉस संपन्न हो चुका है। वागड़े सेट ने टॉस जीता है, अभी तक फैसला नहीं सुनाया है। कृष्णा की फिर एक बार अच्छी गेंद आउट होने, इस तरह की गेंदबाजी को ऐसे ही फील्डर से सहारा मिलना चाहिए दोस्तों, तालियां बजनी चाहिए इस कैच के लिए, मानो कि हवा में लपक लिया। कोच कहता है कि सिर्फ परिंदे उड़ पाते हैं, बहुत ही अच्छा छलांग लगाकर इस कैच को अंजाम दिया फील्डर ने, और कृष्णा की अच्छी गेंदबाजी को फील्डर्स का उतना ही बढ़िया साथ, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर फील्डिंग। और इस कैच के लिए डॉक्टर मुसेफ खान कुछ आकर्षक इनाम देना चाहेंगे शायद। और इसी बीच मैं हमारे स्पॉन्सर जीत हॉस्पिटल इनके सर्वे सर्वा डॉक्टर जयवन घोड़के सर से बात करूंगा और उनसे पूछना चाहूंगा कि आपके हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा सा आप शॉर्ट में बताएं। गुड मॉर्निंग ऑल डॉक्टर्स, मेरा नाम डॉक्टर जयवन घोड़के है और मैं जीत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बारे में ये बताना चाहूंगा। अभी एक साल हम लोग ने कंप्लीट किया है 7 अप्रैल को, और हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 24-25 विजिटिंग कंसल्टेंट्स है, और हमारा जो ऑपरेशन थिएटर है वो अपने थाना के जुपिटर हॉस्पिटल से भी बड़ा है, ऐसा है। और भिवंडी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, 57 बेडेड, और आप सब लोगों की सपोर्ट की मतलब मैं ये रखता हूँ। थैंक यू ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जयवंत घोड़के सर, भिवंडी के एक अच्छे नामचीन डॉक्टर, और एक बहुत ही अच्छा सेटअप उन्होंने यहाँ पर भिवंडी शहर में हमें मुहैया करा कर दे दिया है। डॉक्टर गोपी पाटिल एक बहुत ही अच्छा कैच लपक लिया है, आपको 200 रुपए का इनाम दिया जा रहा है यहाँ पर डॉक्टर कृष्णा की तरफ से, सच में मन लुभावना कैच। डॉक्टर जयवंत घोड़के सर जिनका जीत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिवंडी का एक बहुत ही अच्छा और नामचीन हॉस्पिटल, सभी तरह की इमरजेंसी सेवाएं वहां पर उपलब्ध। आप सभी डॉक्टर से निवेदन है कि अपने मरीजों के लिए अच्छे से अच्छी सुविधा अगर देना चाहते हैं तो जीत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से जरूर संपर्क करें, और ये हमारे इस टूर्नामेंट के लिए भी उनका काफी बड़ा योगदान रहा है। डिसीजन काय त्यांचा, अरे यांचं झालं ना, वेडा आणि डहाणू आहे ना, वेडा टॉस जिंकले ना। ए प्रदीप काय डिसीजन, 4 ओव्हर मध्ये किती रन झाले सर? अरे यार किती झाले, वागले स्टेट अपना डिसीजन सुनाए प्लीज। 4 ओवर में 23 रन का स्कोर खराब कर पाई है वाड़ा डॉक्टर्स एसोसिएशन की टीम नई मुंबई इंडियंस के सामने, एक लो स्कोरिंग मैच लेकिन वाड़ा के साथ पास भी अच्छे गेंदबाज मौजूद, देखते हैं क्या वो रोक पाते नई मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों को। वागले स्टेट और डानू दोनों के भी प्लेयर्स ग्राउंड का ताबा ले लें। वागड़े स्टेट अपने प्लेयर्स को कृपया ग्राउंड पर भेज दें। डानू की टीम
लागले स्टेट के फील्डर्स जल्द से जल्द ग्राउंड पर आ जाए। दोस्तों बीएमपी ट्रॉफी 2024 का एक क्रिकेट का महासंग्राम, बीएमपी एक क्रिकेट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, आप सभी का फिर एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर एसडी जैन, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुसीब खान, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी डॉक्टर अनुपम चौधरी और सभी बीएमपी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत। इस बीएमपी ट्रॉफी 2024 के प्राइम स्पॉन्सर जिन कुशल कार्डियक केयर, जीत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, श्री साईश हॉस्पिटल, बीएनडी हेल्थ केयर हॉस्पिटल, इन सभी का अच्छा खासा योगदान। दोस्तों इमरजेंसी की किसी भी सेवा के लिए यहाँ पर हमारे कोकण प्रोग्रेसिव ट्रस्ट की तरफ से कार्डियक एम्बुलेंस का अरेंजमेंट किया गया है। हम तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करते हैं कोकण प्रोग्रेसिव ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पर कार्डियक एम्बुलेंस का इंतजाम किए गए हैं किसी भी तरह के इमरजेंसी से निपटने के लिए। हमारे स्पॉन्सर समर्थ डायग्नोस्टिक, उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद बीएमपी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। वाड़ा और नई मुंबई अब अगले इनिंग का खेल शुरू होने जा रहा है। सेकंड इनिंग का नई मुंबई इंडियंस के दोनों भी बल्लेबाजों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द अपने बल्लेबाज क्रीज पर भेज दो। वाड़ा टीम के फील्डर्स जल्द से जल्द अपना फील्ड सजाए, समय के मामले में हमें सहयोग करें, वातावरण में गर्मी बढ़ती हुई, खुद का ख्याल रखें। वाड़ा और नई मुंबई के बीच दूसरे ओवर का, दूसरे इनिंग का ये खेल शुरू होने जा रहा है। 23 रन का स्कोर खड़ा किया है वाड़ा डॉक्टर्स एसोसिएशन ने। नई मुंबई के एक प्लेयर ने चावी यहाँ पर रखा है। बीडीसीसी के कप्तान यहाँ पर अपना गिफ्ट हैम्पर और बॉटल्स कलेक्ट करें कृपया। हमारे दोनों भी अंपायर्स आशीष मुकाशी और महेंद्र भवर मैदान का ताबा लेते हुए, जबकि डॉक्टर दत्ता और उनकी टीम फील्डिंग के लिए उतरती हुई। बीडीसीसी के कैप्टन से निवेदन है कि वो अपना टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम जे मुसेब सर फील्डिंग हॉस्पिटल। मुसेब सर फील्डिंग, डॉक्टर मुसेब खान सर आपण जिथे कुठे पण असाल कृपया लवकरात लवकर यायचे, क्षेत्ररक्षणासाठी आपल्याला सज्ज व्हायचे। डॉक्टर संजय वर्मा आपण देखील मैदानावर तयार राहायचे। जे सर्व तरुण रक्ताचे खेळाडू आहेत सर्वांनी मैदानावर उपलब्ध राहायचे, या रणरणत्या उन्हात आपलं तारुण्याचं तेज तुम्हाला दाखवायचंय। डॉक्टर राहुल जंगणे आपण कुठेही असाल तर कृपया मैदानावर उतरण्यासाठी तयार राहायचंय। डॉक्टर नौशाद अन्सारी आपलं देखील कमिटीतर्फे बीडीसीसी टीम को यहाँ पर गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जीत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सर्वे सर्वा डॉक्टर घोड़गे सर। बीएमपी टीम के कैप्टन योगेश बागल, बीएमपी टीम के कैप्टन योगेश बागल, कपड़े का ले लो।
अरे अरे बहुत ही अच्छे माहौल में बीएमपी ट्रॉफी 2024 का ये क्रिकेट का महासंग्राम संपन्न होता हुआ सभी खिलाड़ी खेल भावना के साथ एकता के साथ स्वस्थता और निरोगीपना का संदेश देते हुए इस तपती हुई धूप में ठंडे दिमाग के साथ खेलते हुए बीएमपी टीम के कैप्टन योगेश बागल टीम ऑफ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम जीप हॉस्पिटल एक्सेप्ट करते हुए थैंक यू वेरी मच जीप मल्टीस्पेशलिटी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और डॉक्टर जयवंत सर थैंक यू वेरी मच बहुत ही अच्छे डॉक्टर साहिल डॉक्टर सुनील सिंह हमारे बीएमपी टीम के बीएमपी अरे पहले तो सर जाने का सर को आपका गिफ्ट लेके आप जाइए बीएमपी वॉरियर्स के कैप्टन डॉक्टर सुनील सिंह को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए गिफ्ट बीएमपी पैंथर्स साहिल सिंह कैप्टन थैंक यू गोडके सर एंड नवी मुंबई इंडियंस कल्याण टीम के कैप्टन अगर यहाँ अवेलेबल है तो अपना गेट टॉस बॉक्स में से ले ले कल्याण टीम के कैप्टन और फूड कूपन यहाँ से ले ले डॉक्टर अनिकेत और डॉक्टर राजन बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर उतरते हुए नवी मुंबई इंडियंस की तरफ से 23 रन के लक्ष्य का पीछा करती हुई नवी मुंबई इंडियंस की टीम वाड़ा डॉक्टर्स के सामने फील्डिंग करताना जो डॉक्टर युसुफ यांनी कॅच पकडली ते श्री साईश हॉस्पिटल तर्फे त्यांना 501 रुपये दोस्तों आज की इस टूर्नामेंट के कैप्टन इस तरफ इस समय आए हुए हैं और उनको यश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से गिफ्ट फील्डिंग थैंक यू सो मच ऑल द क्रिकेट टीम्स डॉक्टर जयवंत गोडके सर एंड जीत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दोस्तों काफी बड़ा योगदान रहा है हमारे सभी स्पॉन्सरर्स का इस टूर्नामेंट के you. लिए थैंक यू वेरी मच हमारे आज के प्राइम स्पॉन्सरर्स जिन कुशल हॉस्पिटल डॉक्टर मयूर जैन जीत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर गोडके सर श्री साईश हॉस्पिटल डॉक्टर योगेश बागल भिवंडी हेल्थ केयर हॉस्पिटल समर्थ डायग्नोस्टिक सभी का काफी अच्छा योगदान रॉयल फार्मा कोरोना फार्मास्यूटिकल्स प्रदीप जाधव दोस्तों दूसरी इनिंग का खेल जारी नवी मुंबई इंडियंस और वाड़ा डॉक्टर्स एसोसिएशन के बीच में ये मैच 24 रन के लक्ष्य का पीछा करती हुई पहला ओवर लेकर आए हैं हितेश पहली गेंद हितेश की ऑफ स्टंप के बाहर स्ट्रोक लगाना चाहते थे बल्लेबाज लेकिन सफल नहीं हो पाए बारहवें खिलाड़ी कौन थे अतिशय दमदार फटका त्या ठिकाणी आपण पाहतोय बॉल निघून गेला या सीमारेषा पार डॉक्टर अशोक सिंग स्टँडच्या बाजूने बॉल निघून गेला होता चार धावांसाठी डॉक्टर राजन त्या ठिकाणी स्वतःच त्याचबरोबर टीमचा अकाउंट ओपन करतोय या चार धावांच्या मदतीने 24 धावांचं लक्ष आहे रन बॉल इक्वेशन आपण पाहतोय 24 बॉलवर फक्त 24 धावा बनवायच्या आहेत आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न शरीराचा भेद घेणारा चेंडू आपण पाहिला बॉल पायावर आदळला होता नक्कीच चेंडू मात्र निर्धाव गेलाय एक चौकार जरूर आपल्याला पाहायला मिळालाय तीन बॉलचा खेळ झालाय आणि त्यामध्ये आलाय एक चौकार चार धावा धावफलक्यावर आहेत या बले स्लोपरचा वापर वेग परिवर्तन केलं होतं मात्र त्या दरम्यान एक धाव कंप्लीट झाली आहे यस बॅट कट होतं
बैट ची कड़क जरूर लगली होती फक्त आणि फक्त एकच धाव 24 धावांचं लक्ष्य एक माफक लक्ष्य आपण त्या ठिकाणी पाहतोय बीएमपीए ट्रॉफी 2024 चा धमाका आपण या ठिकाणी अनुभवतोय त्या ठिकाणी सर्व डॉक्टर्स तुम्हाला खेळताना पाहायला मिळतात एक चांगली संकल्पना नक्कीच या स्पर्धेच्या माध्यमातून एक धाव पुन्हा एकदा मिळाली त्या ठिकाणी धावा धावफलकावर झाल्या आहेत सहा धावा षटकातील पुढचा बॉल या बॉलर देखील प्रहार झालाय फटका चांगला आहे बॉल थांबत नाहीये निघून जातोय सीमारेषा बार ज्या ठिकाणी प्रदीप जाधव स्टँड आहे चार धावा चौकार नेक्स्ट मॅच वेडा विपक्ष डानू दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण सज्ज रा नक्कीच पूर्णपणे तयारीत राहायचं आहे आपण त्वरितच पुढच्या मॅचला सुरुवात करणार आहोत तर पहिलं षटक कंप्लीट झालंय पहिल्या षटकाची समाप्ती धावा धावफलकावर आहे दहा धावा एक चांगली सुरुवात त्या ठिकाणी आपण पाहतोय कारण फक्त आणि फक्त 24 धावा विजयासाठी बनवायच्या आहेत नवी मुंबई टीमला बॉलिंग ट्रॅक वर डॉक्टर अक्षय गोलंदाजी मध्ये पहिलं परिवर्तन आपण पाहतोय षटक क्रमांक दोन फेकण्यासाठी डॉक्टर अक्षय सज्ज होत आहेत नक्कीच शापूर टीमचे कॅप्टन आपण आपला गिफ्ट अंपायरांना कुपन घेऊन जायचं आहे फुल टॉस बॉल उडवला ऑन साइडला डॉक्टर दत्ता झेलकली चुकी करतोय नक्कीच कॅच ड्रॉप झाली आहे त्या ठिकाणी आणि बॉल निघून गेला सीमारेषा पार चार धावा चौकार शापूर टीमचे कॅप्टन चला आपण या ठिकाणी संपर्क साधा आपलं गिफ्ट अंपायर दास बरोबर फूड कुपन्स घेऊन जायचं आहे चार ने धावफलक पुढे सरकलाय 14 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत आता मात्र फक्त आणि फक्त 10 धावांची आवश्यकता आहे विजयासाठी नवी मुंबई टीम्सला भरपूर चांगली फलंदाजी त्या ठिकाणी आपण पाहतोय नवी मुंबई टीमच्या माध्यमातून अडवा बाट ने खेळण्याचा प्रयत्न बाट आणि बॉल मध्ये संपर्क नाहीये एक वेगवान चेंडू त्या ठिकाणी आपण पाहतोय शरीराचा वेध घेतला होता चेंडूने चेंडू मात्र निर्धाव गेलाय नक्कीच नवी मुंबई टीमचा विचार केला तर विजयाच्या उंबरठ्यावर आहेत असंच म्हणावं लागेल कारण फक्त आणि फक्त 24 धावांचं लक्ष आणि त्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना आतापर्यंत 14 धावा धावफलकावर लावल्या गेल्यात षटक क्रमांक 2 चा खेळ चालू आहे षटकाची सुरुवात चार धावांसोबत झाली होती ज्या ठिकाणी कॅच ड्रॉप झाली होती आणि त्यानंतर मात्र सलग दोन चेंडू निर्धाव फेकले त्या ठिकाणी डॉक्टर अक्षयने निर्धाव चेंडू फेकावे लागतील काही विकेट देखील तुम्हाला लवकरात लवकर घ्याव्या लागतील तर लक्ष जे आहे ते भरपूर कमी आहे फक्त 24 धावांचं लक्ष नवी मुंबई टीम समोर षटकातील पुढचा बॉल आडव्या बाटने खेळण्याचा प्रयत्न चेंडू कार्पेटच्या साने येतोय काऊ कॉर्नर रिझन मधून क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचतायत त्या दरम्यान पुन्हा एकदा सिंगल कंप्लीट एकच धाव पंधरा धावा धावफलकावर झाल्या आहेत या बॉलचा अतिशय दमदार फटका मिडल ऑफ द बॅट चेंडू आउट ऑफ द पार्क सहा धावांसाठी षटकार प्रदीप जाधव स्टँडला सलामी देणारा फटका बॉल सीमारेषा पार झाला होता सहा धावांच्या मदतीने धावफलक पुढे सरकलाय 21 21 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत फक्त आणि फक्त तीन धावांची आवश्यकता आहे अडवा
आडव्या बाट ने पुन्हा एकदा प्रहार आपण पाहतोय. क्षेत्ररक्षक आहेत. डीप मध्ये चेंडू अडवला जातोय. सिंगल कंप्लीट. तर आता मात्र फक्त आणि फक्त दोन धावांची आवश्यकता आहे विजयासाठी. उर्वरित दोन षटकांचा खेल देखील बाकी आहे. अर्थातच विजयाच्या उंबरठ्यावर, विजयाच्या समीप आपण पाहतोय नवी मुंबई टीमला. नेक्स्ट मॅच वेडा विपक्ष डानू या दोन टीम मध्ये आहे. दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण आपला संपूर्ण संघ घेऊन सज्ज राहायचा आहे. वेडा टीमच्या कॅप्टनने टॉस जिंकलाय. प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. तर डहाणू टीमला फलंदाजीसाठी इन्व्हाइट केलंय. बॉलर बॉलर पराग, डॉक्टर पराग षटक क्रमांक तीन फेकण्यासाठी पहिला बॉल. पहिलाच बॉल आडव्या बाटने खेळून काढलाय. बॉल निघून जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. मॅच फिनिश. सामना जिंकलाय या ठिकाणी नवी मुंबई टीमने. अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन. हार्ड लक टफ लक टीम वाडा. मॅन ऑफ द मॅच या सामन्याचा हिरो, नो डाऊट अबाउट दॅट, ज्याने पहिलं षटक फेकलं होतं आणि ज्या षटकामध्ये तीन धावा खर्च करत दोन विकेट्स घेतल्या होत्या. नाव आहे